नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे उन किसान साथियों की जिन्होंने की ग्रीष्म ऋतु के अगेते धान की बिजाई करी थी और उनका धान लगभग 35 दिन से लेकर 40, 50, 55 या 60 दिन की अवस्था में है। कुछ साथियों ने बताया है कि उनके धान की अवस्था 60 दिन से भी ऊपर चल रही है, तो अब वो इस अवस्था में किस टाइप से अपने धान का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि उनके उत्पादन ज़्यादा अच्छे रह सकें। चूँकि अभी धान फुटाव वाली अवस्था से ऊपर आ चुका है, तो फुटाव के लिए तो अब हमें यहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन अब हम यहाँ पर जो विचार करेंगे वो करेंगे सिर्फ बालियों के बारे में। दूसरा, हमें अपने पौधे को रोग से मुक्त करना है, क्योंकि अगर रोग यहाँ पर लगा हुआ है तो हमारे खेत में बालियाँ सफ़ेद निकल सकती हैं, बालियाँ काली भी हो सकती हैं और गर्दन तोड़ जैसे रोग भी हमारी फसल को यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने धान को अब हमें ये माइंड में रखकर ट्रीट करना है कि अब हमें अपने धान की चमक, धान का वजन और धान में ज़्यादा बालियां निकलें और स्वस्थ बालियां निकलें, इस पर हमें फोकस करना होगा। हमारे धान का परागण अच्छा हो, ठीक है, ये हमारे माइंड में सब पॉइंट होनी चाहिए। साथियों, जो भी किसान साथी अब यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि हमारा धान बहुत दूरी पर है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए पहले ही कुछ हो सकता था, क्योंकि धान की रोपाई कराते समय आपको सघन विधि से थोड़ी सी रोपाई करानी चाहिए थी। दूसरा, बकानी आने की वजह से जो पौधे आपके ख़त्म हुए, बकानी को आपको समय पर रोकना चाहिए था। फुटाव के लिए आपको एक महीने के अंदर ही सारे डोज लगाने चाहिए थे। अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में फुटाव नहीं आ सकता, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें सिर्फ आगे के ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। क्योंकि पौधे की गांठें बन चुकी हैं और गोब में बालियाँ छोटी छोटी पनपने लग चुकी हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी किसान साथी बिल्कुल देसी फॉर्मूलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर 4 किलोग्राम DAP और लगभग 6 किलोग्राम यूरिया का घोल बनाएं और अपने खेत को दे दें। यहाँ सरसों की खली भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप सरसों की खली समथिंग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी DAP यूरिया के घोल के साथ में चला सकते हैं, पानी के साथ मिला के चला दें, ये आपको बहुत गजब के रिजल्ट देगा। साथ ही पूछना चाहते होंगे DAP यहाँ पर क्या काम करेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जो दाना अब गोब में बन रहा है या बालियाँ बन रही हैं तो उनके आकृति को बनाने के लिए और पौधे को मजबूती प्रदान करने में DAP बहुत सहायक होता है। और इस समय पर अगर आप DAP लगाते हैं तो आपके धान की भराव के लिए DAP बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। दूसरा, कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि बुरकाव के माध्यम से हम यहाँ पर क्या डोज लगा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप यूरिया खाद लेंगे 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके साथ में आप यहाँ पर चूना लेंगे लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और हरा कशिश यहाँ पर क्यों लगाना है, क्योंकि अब हमारे पौधे को लोह पोषक तत्वों की ज़रूरत है और लोह पोषक तत्वों की पूर्ति करने में हरा कशिश सक्षम है। साथियों, लोह पोषक तत्वों की यहाँ पर ज़रूरत क्यों है, क्योंकि धान के चावल के अंदर बहुत सारे फेरस के जो गुण पाए जाते हैं उन्हें पूरा करने में फेरस ही सहायक होता है, ठीक है, और पौधे के तने को मजबूती प्रदान करने का काम फेरस सल्फेट करता है। तो यहाँ पर कैल्शियम प्लस फेरस और उसके साथ में यूरिया खाद मिला के आप बुरकाव कर दें। ह्यूमिक एसिड भी 500 ग्राम मिक्स करके डाल सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरा, कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कीटनाशक क्या हम इसके साथ मिलाकर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर फटेरा ले सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिन खेतों में सुंडी आने की संभावना लग रही है या रोग आने की संभावना है वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का फटेरा डालें, ठीक है, फटेरा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। दूसरा, यूरिया खाद आप 35 किलोग्राम, फेरस सल्फेट इसके साथ में आप 5 से 6 किलोग्राम, और यहाँ पर आप चूना यानी कि 5 से 6 किलोग्राम चूना मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गई बुरकाव की डोज। कुछ साथी पूछना चाहते हैं स्प्रे के माध्यम से लगाई जाने वाली कौन सी खाद यहाँ पर हमारे लिए कारगर साबित होगी, तो देखिए स्प्रे अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0-52-34 लें, 0-52-34 आप 1 किलोग्राम मात्रा लेकर उसके साथ में बोरॉन मिक्स करें 100 ग्राम, और 100 ग्राम बोरॉन को समथिंग आप 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि कीट से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए कीट से बचाव के लिए चूँकि अभी आपकी फसल लगभग 55 दिन की अवस्था में है या 50 दिन की अवस्था में है, तो आपको अगर कीट नहीं आया है तो आप यहाँ पर एक हैवी कीटनाशक का यूज़ करें, जिससे कि आपके पौधे में अब के बाद किसी कीटनाशक को लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पर एम्पली को लगा सकते हैं, एम्पली को 8.5% क्लोरेंटर
मिनीलिप्रोल के साथ है, और इसके साथ में आप वॉल्यूम फ्लेक्सी का यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको 9% तक क्लोरएंटरमिनीलिप्रोल दे देती है। अगर आपके पास में कोराजन की व्यवस्था है तो यानी 18.5% क्लोरएंटरमिनीलिप्रोल की व्यवस्था है, तो 70 ml कोराजन की आप स्प्रे कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा और इससे आपके खेत में कीट नहीं आएगा। ठीक है, कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि फंगीसाइड कौन सा लगाना चाहिए और किस फंगीसाइड से हमारे खेत में बालियां अच्छी रहेंगी ताकि धान का दाना काला ना पड़े। तो देखिए, आप यहाँ पर यदि फंगीसाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें आप कार्बेंडाजिम का यूज़ कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम 50%। अगर कार्बेंडाजिम ना लगाना चाहें तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ml प्लस इसके साथ में आप कासोकामाइसिन या तो 250 ml मिक्स करें या फिर वैलिडामाइसिन 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे दे सकते हैं, ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तीसरा एक मैं यहाँ पर ऑप्शन बता दूँ, कुछ साथी कहना चाहते हैं कि धान में चमक बढ़ाने के लिए या धान के भराव के लिए या धान की बालियाँ सुडोल अच्छी साफ़ सुथरी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप 0050 लीजिए, 0050 एक किलोग्राम के साथ में आप बोरॉन 100 ग्राम मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए, वो आपके बालियाँ निकलने के समय पर आपके बालियों के परागण में बहुत सहायक होगा, और जब आप स्प्रे करेंगे तो उस समय पर पौधे को जितने भी हैवी टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता 0050 दे देगा, पोटास दे देगा, और आप बोरॉन मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो वह आपके धान की बालियों के अंदर बनने वाले जो भी दाने होते हैं उनको साफ सुथरा सुडोल बनाएगा, और इससे आपके धान की बालियाँ भी अच्छी रहेंगी, परागण अच्छा होगा और धान में चमक ज़्यादा आएगी। साथियों, इससे आपको मंडी टॉप रेट के धान मिलेंगे, ये बात भी फैक्ट है। ठीक है, तो इन स्प्रे को शेड्यूल कैसे करना है, अगर आपके खेत में अभी 50 दिन की अवस्था है तो आप यहाँ पर बुरकाव के माध्यम से अगर खाद लगाना चाहते हैं तो बुरकाव वाली डोज लें जिसमें आप फटेरा को मिक्स कर लें। ठीक है, एक कीटनाशक आपने लगा दिया तो फिर आपको स्प्रे वाली कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर फटेरा नहीं लगाया है बुरकाव के माध्यम से तो आप कोराजन 70 ml का स्प्रे कर सकते हैं एक एकड़ में। ठीक है, वो आपने कीटनाशक का स्प्रे कर दिया। दूसरा, एक आप फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहते हैं तो फंगीसाइड के स्प्रे में आप कॉपर प्लस वेलिडा या कासुका का कॉम्बिनेशन लें। ठीक है, एक तीसरा स्प्रे आपको करना होगा जब बालियां गोब में बिल्कुल आ चुकी हों, उस अवस्था में आपको 0050 प्लस बोरॉन का एक स्प्रे करना होगा जिससे कि आपके पौधे की बालियों में परागण अच्छा होगा और दाने अच्छे बनेंगे। ठीक है, जो भी साथी पूछना चाहते हैं कि क्या 35 दिन के धान पर भी फुटाव आ सकता है, तो देखिए, आप 35 दिन के धान की अवस्था में अभी इसी अवस्था में यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए 250 ग्राम और 250 ml वैलिडामाइसिन मिक्स करके एक स्प्रे दे दीजिए। इससे आपके पौधे के अंदर फुटाव नया नहीं निकलेगा, लेकिन जिन पौधों को कीट ने खत्म कर दिया है उन पौधों में फुटाव आ जाएगा और वो पौधे आपके बहुत ज्यादा खेत को भर लेंगे। यानी कि जो पौधे खत्म हो रहे हैं वो पौधे खत्म नहीं होंगे, इससे आपके पौधे में मतलब खेत में उत्पादन की मात्रा कम नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 35 से 40 दिन पर अगर आपके खेत में फुटाव कम लग रहा है और कीट से पौधा ज्यादा बेकार हो गया है तो आप वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कि लगभग 250 ग्राम और 250 ml वैलिडामाइसिन मिक्स करके एक स्प्रे दे दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए संपूर्ण जानकारी है, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। किसी भी प्रकार की शक शंका करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और साथियों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस टाइप की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।